नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज ही के दिन आपका रिजल्ट जारी होने वाला है। जितने भी यहाँ पर पीटीटी के स्टूडेंट देख रहे हैं मेरा यह वीडियो, आप सभी छात्रों को पता है कि लगातार मैं आप सभी छात्रों को जो न्यूज है या जो नोटिफिकेशन जारी होता है वो सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करवाते आ रहा हूँ, ठीक है। अब ये सब कुछ मैं किन प्रूफ के माध्यम से या किन प्रूफ के आधार पर बोल रहा हूँ कि जो रिजल्ट है आप सभी का पीटीटी का, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट मंथ 21 मई को आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया गया था, जिसमें कि 5.25 लाख स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी। उससे भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने वहां पर फोरम भरा था, लेकिन 5.25 लाख के तकरीबन स्टूडेंट्स ने वहां पर परीक्षा दी थी। अब देखो एक चीज और क्लियर कर देता हूं, साथ ही में मैं आपको ऑफिशियल जो नोटिस है या एक तरीके से ई पेपर मान सकते हो, ई पेपर भी मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आज ही के दिन, देखो आज ही के दिन आपका रिजल्ट है वो जारी होने वाला है, ठीक है। तो आप सभी को चलिए मैं एक बार क्लियर करता हूं। देखो जैसे कि यहां पर आप सभी को छात्रों को पता होगा कि काफी कॉलेज रहती है राजस्थान में बीएड की, ठीक है। तो यहां पर 945 के तकरीबन आपकी जो बीएड की कॉलेज है वो आपकी रहने वाली है, 455 कॉलेज आपकी रहेगी इंटीग्रेटेड के जो कोर्सेज है उन सभी के लिए, यानी जो बीए बीएड बीएससी बीएड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसी के बाद में 1,10,000 सीटें आपकी रहेगी बीएड के लिए जो टू ईयर के स्टूडेंट है, और लगभग 40,000 से 45,000 सीटें आपकी रहेगी इंटीग्रेटेड के लिए, ठीक है। उसी के बाद में देखो जैसा कि 19 तारीख को एक ई पेपर जारी हुआ था, उस ई पेपर का स्क्रीनशॉट आप इधर देख सकते हो, इस ई पेपर में बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो। साथ ही में आपको पता है कि उससे पहले जो एग्जाम कंडक्ट करवाता था वो जेएनयू यानी जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी करवाता था, लेकिन जो अब कंडक्ट होता है आपका एग्जाम वो हुआ है इस बार जीजीटीयू यानी गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के द्वारा, और साथ ही में जो जीजीटीयू का जो परीक्षा नियंत्रक है एक तरीके से शायद उनका लास्ट सरनेम पांड्या है, अशोक पांड्या या और कुछ है, ठीक है, लेकिन सरनेम मुझे पता है कि पांड्या है, वो भी बोल रहे हैं कि जल्द ही आपका जो रिजल्ट है वो जारी करने वाला है, ठीक है। वैसे तो बोला जा रहा था कि 21 मई को आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो जाना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश से आपका जो 21 मई को रिजल्ट है वो जारी नहीं हो पाया है। वैसे मैंने आपके सभी के लिए टेलीग्राम पर भी डाला था, कुछ अपडेट डाली थी कि मैंने बताया था आप सभी को कि 21 तारीख को आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा, अगर नहीं जारी होता है तो अगले 1 या 2 दिन में आपका जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो उसी प्रकार से आपने जिस प्रकार से इस नोटिस में क्लियरली देखा होगा या इस पेपर में आपने क्लियरली देखा होगा, यहां पर बिल्कुल क्लियर है कि 21 मई को आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो कंफर्म आज आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। देखो 99% चांसेस है कि आज आपका रिजल्ट जारी हो सकता है, अगर आज आपका रिजल्ट जारी नहीं होता है तो अगले 2 या 3 दिन में आपका रिजल्ट कंफर्म रूप से जारी हो जाएगा। बाकी मैं आपको जो कट ऑफ से रिलेटेड काफी वीडियोज मैंने आप सभी को प्रोवाइड भी करवा रखे हैं, बाकी आपकी जो काउंसलिंग वगैरह होगी उससे रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसी चैनल के माध्यम से, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई जैसे लास्ट ईयर का स्टूडेंट है तो उसको पता है कि जब आपका अपवार्ड के लिए स्टूडेंट अप्लाई करता है, क्योंकि काफी जो स्टूडेंट रहते हैं उनको अपनी नजदीकी जो कॉलेज है अपने जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें कॉलेज नहीं मिल पाती है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में मिल जाती है, तो इस वजह से वो अपवार्ड के लिए भी अप्लाई करता है। तो अपवार्ड के लिए आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है ये सब कुछ डिटेल आपको वहां पर आगे जाकर मैं बताने वाला हूँ। एक लंबा प्रोसेस चलेगा पीटीटी का, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। आपका जैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रहेगा, आपकी फीस कितनी सबमिट होगी, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो इसी वजह से मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी आज आपका रिजल्ट जारी हो सकता है, पूरी पूरी संभावना है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आप सभी छात्रों के लिए आ रही है। अगर आज नहीं जारी होता है तो अगले 2 या 3 दिन में कंफर्म रूप से आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। जिस दिन जारी होगा उससे थोड़े पहले आपके लिए ट्वीट भी जारी हो जाएंगे, और ट्वीट जारी होते ही मैं आपको इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जिससे उनको भी पता लग जाए कि जो बीएड का जो आपका पीटीटी का रिजल्ट है वो कब तक आने वाला है, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं।